होम्योपैथी में तमाम ऐसी दवाइयां हैं जिनके बहुत अच्छे एक्शन देखे जाते हैं, उनको हर कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, उनकी पोटेंसी और सेलेक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। इन्हीं में से एक मेडिसिन का नाम आता है नेट्रम्यूर, नेट्रम्यूर या फिर इसी को हम क्लोराइड ऑफ सोडियम भी बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेट्रम्यूर एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, ये सर से लेके पैर तक मीन्स हर सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा असर देखा गया है। नेट्रम्यूर नमक से बनने वाली मेडिसिन है, सी सॉल्ट से बनने वाली मेडिसिन है। डियर फ्रेंड्स, जब मेडिसिन की प्रूविंग करी गई तो बहुत ही अमेजिंग सिम्टम्स आए, जिसकी उम्मीद नहीं थी ऐसे सिम्टम्स निकल के आए। नेट्रम्यूर के विषय में एक और ख़ास बात होती है कि ऐसे पेशेंट जो लंबे समय से सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा करते रहते हैं, उनमें नेट्रम्यूर बड़ी ही सुटेबल वर्क करती है, उनमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है। स्टडीज़ कहती हैं कि ऐसे पेशेंट जो लंबे समय तक नमक का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनमें वैसे भी सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे उनके शरीर में स्वेलिंग हो सकती है, उनको एडिमा हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, उनके जो शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है मींस वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC होती हैं, उनकी संख्या इनक्रीज़ होके मिलती है। डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन सी बीमारियों को अच्छा कवर करती है, कौन सी पोटेंसीज की बेस्ट एक्ट करती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हम इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर एस के पांडे, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। फ्रेंड्स, नेट्रम्यूर एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, ये माइंड पे अच्छा काम करती है, हेयर पे अच्छा काम करती है, ENT सिस्टम पे अच्छा काम करती है, रेस्पिरेटरी पे, GI पे, बोन पे, स्किन पे, सब सिस्टम पे इसका अच्छा वर्क देखा गया है। इसमें पहले हम बात करते हैं हेड पे। डियर फ्रेंड्स, ये माइंड की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है ऐसे पेशेंट जिनको कोई लंबे समय से ग्रीफ है, मींस किसी दुख में है, चिंता में है, या फिर किसी ने उन्हें छोड़ दिया, या फिर कोई उनके साथ बड़ी दुर्घटना हो गई, कोई उनका चाहने वाला या करीबी की डेथ हो गई, या कुछ इस टाइप का हो गया जिससे पेशेंट घुट घुट के रहता है, पेशेंट अकेला रहना चाहता है, पेशेंट हास्टी हो गया है, थोड़ा सा जल्दबाजी में रहने लगा है, पेशेंट को अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, साथ ही साथ उसको इरिटेबिलिटी हो गई है, घुट घुट के रहता है, रोना चाहता है। एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात जिस पे हम और इसका सिलेक्शन कर लेते हैं मेडिसिन का, कि पेशेंट को यदि थोड़ी सी कोई सिंपैथी देता है, समझाता बुझाता है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, तो पेशेंट एकदम से बिखर जाता है, बहुत इरिटेट हो जाता है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसको कोई समझाए या फिर उसको कोई ज्ञान दे। डियर फ्रेंड्स, ये हेड की अच्छी रेमेडी है, मैं ये बालों पे अच्छा वर्क करती है, यदि आपको हेयर फॉल हो रहे हैं तो नेट्रम्यूर अच्छा काम करती है, ये हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को इंक्रीज करती है। नोज़ पे इस मेडिसिन का अच्छा वर्क देखा गया है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की यदि सिक्रीशन इंक्रीज हुए हैं या फिर ड्राई हुए हैं, दोनों कंडीशन में अच्छा काम करती है। यदि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, मींस आपको बार बार छींकें आती हैं, आँख से पानी आने लगता है, नाक से पानी आने लगता है, गला जाम हो जाता है, रात में जब आप सोते हैं तो आपको नोज़ ब्लॉक हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो नेट्रम्यूर अच्छा काम करती है। यदि आपको रिकरेंट कोल्ड हो रहे हैं तो भी नेट्रम्यूर अच्छा काम करती है। एलर्जिक राइनाइटिस में तो इसकी 6x पोटेंसी रामबाण जैसा काम करती है, एकदम सुटेबल मेडिसिन है और सुटेबल पोटेंसी होती है। डियर फ्रेंड्स, ये पेट की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, प्यास बुझती ही नहीं है, ऐसे पेशेंट को हम यदि टंग देखते हैं तो टंग पे बिल्कुल से इररेगुलर मार्जिन्स रहते हैं, जिसको हम मैपेड टंग भी बोलते हैं, मींस जैसे नक्शा होता है, मैप होता है, वैसे टंग पे देखने को मिलता है, इररेगुलर मार्जिन्स से देखने को मिलती हैं। ऐसे मरीज को नमक खाने की बड़ी इच्छा करती है, खाने में सारे लोग टेबल पे बैठे हुए हैं, किसी को नमक कम नहीं लग रहा है, जो भी नेट्रम्यूर का पेशेंट होगा वो खाना लेने के पहले ही उसे एक्स्ट्रा सॉल्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ये यूरिनरी सिस्टम पे भी अच्छा काम करती है, ऐसे पेशेंट जिनको पेशाब पास करने में तकलीफ होती है, कोई यदि बगल में है, पास में खड़ा है, या पब्लिक टॉयलेट में उनको यूरिन करने में बड़ी परेशानी होती है, बड़े देर तक खड़े रहते हैं फिर जाके यूरिन होती है, ऐसे पेशेंट को यूरिन पास कर लेने के बाद टिप ऑफ यूरेथ्रा पे पेन भी देखने को मिलता है। महिलाओं की अच्छी मेडिसिन साबित होती है, ऐसी महिलाएँ जिनका पीरियड कभी टाइम पे होता ही नहीं, हमेशा इररेगुलर होता है, ऐसे महिलाएँ जिनको ड्राइनेस ऑफ वेजाइना है, वेजाइना में ड्राइनेस देखने को मिल रही है, फिर ऐसी फीमेल जिनको लिकोरिया हो रहा है, उनको थिन लिकोरिया, पतला सा लिकोरिया है, वो भी एक्रिड लिकोरिया है, मींस पेशाब के रास्ते के आसपास वो काट दे रहा है, छिल दे रहा है, तो आप नेट्रम्यूर यूज़ कर सकते हैं, अच्छा वर्क करती है।
स्किन की बात करें तो स्किन की अच्छी मेडिसिन है, ऐसे पेशेंट जिनकी स्किन बहुत ऑयली रहती है, स्पेशली जहाँ पे हेयर हैं या हेयरी पार्ट हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन देखने को मिलती है, एक्जिमा पे इस मेडिसिन का अच्छा काम देखा गया है। ऐसे पेशेंट जो थोड़ा सा पसीना होता है, स्वेटिंग होती है, एक्जर्शन कर लेते हैं, इसके बाद उनको ईचिंग देखने को मिल रही है, तो नेट्रोम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट जिनको पित्ती निकल रही है, हैवीज हो रही हैं, अर्टिकेरिया हो रहा है, बहुत अच्छा उसमें वर्क करती है। यदि हम पोटेंसी की बात करें कि कौन सी पोटेंसी इसका अच्छा वर्क करती है, फ्रेंड्स इसकी हर पोटेंसी बहुत अच्छा वर्क करती है। डॉक्टर बोरिक कहते हैं इसकी लोअर से लेके हायर तक की हर पोटेंसी वर्क करती है। मैं खुद अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो इसकी हर पोटेंसी यूज़ करता हूं, एक्सेप्ट मदर टिंचर अच्छा वर्क करती है। ये 6x में अच्छा काम करती है, 12x में अच्छा काम करती है, 30 में, 200 में, 1 ml सब में बहुत अच्छे इस मेडिसिन के असर देखे गए हैं। मीन्स आप किसी भी पोटेंसी को इस मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, खुद फ़ायदा लीजिएगा, लोगों के साथ शेयर करके उनको भी फ़ायदा दिला सकते हैं। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरी क्लिनिक पर भी आ सकते हैं, एड्रेस मेंशन है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।